आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। उषा विद्यार्थी पूर्व विधायक हैं पालीगंज की, जिन्होंने आज मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का आयोजन किया है। बीजेपी के तमाम नेता धीकू भाई दिलसानिया से लेकर सम्राट चौधरी, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आए हुए हैं। और अब यहीं से कल से यानी कि मकर संक्रांति का पर्व की शुरुआत हो चुकी है, कल खत्म होगा और अब बिहार की नई राजनीति का जो है आगाज होगा। यहाँ पे आज राहुल गांधी भी मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है, यानी कि बिहार में का जो पारा गिरा हुआ है वो कल से अब राजनीतिक पारा ऊपर उठना शुरू होगा। हम तमाम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो चीज़ बड़ा स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी के साथ कांग्रेस पार्टी के युवराज ने पहले ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको जेल में सड़वाया और राजनीतिक सफर समाप्त करा दिया। और कल जिस तरह की घटना घटी उससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाकर और ममता दीदी पर आरोप लगाकर नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी बिहार के समाजवादियों के साथ अन्याय करते रही है और देश में भी आपको याद होगा, चौधरी चरण सिंह जी हो, चंद्रशेखर सिंह जी हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें हो, सबके समाजवादियों को के साथ सरकार के साथ खेला करने का काम कांग्रेस का रहा है। इसलिए आज पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस बिहार के किसी नेता को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। यात्रा शुरू हो रही है। देखिए, बिहार या देश चाहता है कि राहुल गांधी माफी यात्रा शुरू करे। उनके परदादा, उनकी दादी, उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और आज यदि ओबीसी वर्ग के मात्र 3 भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं तो इसका पाप भी कांग्रेस पार्टी को ही सहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यदि मंडल कमीशन 80 में लागू किया होता तो आज सभी सेक्रेटरी 50% से अधिक सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से। तो यह स्पष्ट है, इस देश के विकास के बाधक कांग्रेस पार्टी है, गरीबों पिछड़ों के बाधक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, ये स्पष्ट हो गया है। देखिए, लालू जी वोट कर रहे हैं, वो भी हमको लगता है पहली बार कर रहे होंगे, प्रत्येक बार करते खिला रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल और है, नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि उनके साथ खेला हो गया है, आपके पुराने साथी भी रहे हैं, अगर कदम आगे बढ़ाते तो हाथ थामे ऊपर। बिहार की राजनीति स्पष्ट है, 2024 में इंडी गठबंधन, पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, माले का नहीं खुला था, गलती से कांग्रेस पार्टी एक खाता खोली थी, इस बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, जदयू का भी नहीं खुलेगा, राजद का भी। देखना ये होगा कि क्या जदयू के तरफ से कोई बयान आता है कि नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।